ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कितनी बातें बताई? पांच। छठी बात, एक प्रैक्टिकल ये है, सोल कॉन्शियस बनेंगे। छठी बात है, अगर सोल कॉन्शियस का अनुभव करना है, आत्माभिमानी का अनुभव करना है, उसके लिए संकल्प मन के कम चलाओ। देह अभिमान और कुछ नहीं, जिसके संकल्प निगेटिव, जो ज्यादा सोचता है, व्यर्थ सोचता है, वो देहभान में आएगा। इसलिए अगर आत्माभिमानी बनना है, कम सोचो, पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। आत्मा कोई चीज नहीं, जिसके सोच कम, पॉजिटिव, समर्थ, वो सोल कॉन्शियस है। इसलिए सोल कॉन्शियस की अनुभूति करने के लिए व्यर्थों से मुक्त बनना, और हो सकता है शाम का क्लास उसी के ऊपर है, हम व्यर्थों से बच करके कैसे रहे। एक पॉइंट तो कल सुनाई थी, कर्मों की घुई गति की बात, और भी बहुत सारी बातें। आजकल ब्राह्मणों में माया क्या कर रहे हैं, व्यर्थ के रूप में आ रहे हैं। ये क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, और जो ज्यादा सोचता है वो। इसलिए सोल कॉन्शियस बनना है, आत्माभिमानी बनना है, कम सोचो, पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, व्यर्थों से मुक्त बनो, उसकी ऊर्जा बचेगी, और वो है आत्मा। सातवीं बात है, आत्माभिमानी बनने के लिए जितना, अगर आत्माभिमानी बनना है, एकाग्र चित्त बनो। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए, स्वच्छ चाहिए। इसी तरह अगर आत्माभिमानी की अनुभूति करनी है, एकाग्रता चाहिए। जितना आपके मन के अंदर एकाग्रता आएगी, जितना स्वच्छ बनेंगे, स्वच्छ अर्थात विचारों में स्वच्छता। अगर विचारों में स्वच्छता नहीं है, आप आत्माभिमानी नहीं बनेंगे। इसलिए स्वच्छ बनो, एकाग्र बनो। अब कई क्या करेंगे, कोई बहन में या भाई की बुराई करेंगे, वो ऐसी है, ये है, वो है। अचानक आई, बहन जी ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम, बगल में छुरी। इसलिए अंदर बाहर स्वच्छ बनो। जहां स्वच्छता है, एकाग्रता है, सोल कॉन्शियस।